आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, यहाँ अपने सामने गद्यांश है, उसे चलिए पढ़ते हैं। विद्याभाषी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता, उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की तह लगा ली, सदा उनकी उसकी बातें सुनने और उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने पलटते जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थित कर लेना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य एक समय उपयुक्त होता है। यह अपना एक गद्यांश है और इससे संबंधित अपना प्रश्न है, विद्याभासी पुरुष के पास किसका वास रहता है? गुरुजनों का, संबंधियों का, पुस्तकों का, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, यहाँ पे गुरुजन से अभिप्राय अध्यापक से है, जो हमें पढ़ाते हैं या जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो क्या होते हैं? हमारे अध्यापक। ज्ञान देने संबंधी, जो ज्ञान देने संबंधी लोग होते हैं वो हमारे गुरुजन होते हैं, जो हमारे पूजनीय होते हैं। संबंधी, संबंधियों में हमारे सभी रिश्तेदार आ जाते हैं, रिश्तेदार या अपने ऐसे कह सकते हैं जो अपने परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार सदस्य, परिवार के जो सदस्य होते हैं वो रिश्ते संबंधियों में आ जाते हैं। इसके बाद अपने पास है पुस्तकों का, पुस्तकों से अभिप्राय वो होता है कि जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने वाली, ज्ञान प्राप्त करने वाली जो विषय वस्तु होती है, ज्ञान प्राप्त करने वाली जो विषय वस्तु होती है, या अपने कह सकते हैं सामग्री, वो क्या होती है? वो पुस्तकें होती हैं। तो देखिए, अपना यहाँ पे प्रश्न है कि विद्यावासी पुरुष के पास किसका वास रहता है। देखिए, जो पुरुष विद्या की तरफ अग्रसर होता है, विद्यावासी होता है, उसके पास सदैव ही पुस्तकों का वास होता है। तो यहाँ पे जो अपना तीसरा ऑप्शन है पुस्तकों का, यह एकदम अपने प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तकों का वास सदैव उनके पास रहता है, तो ये अपने प्रश्न का सही उत्तर है, विकल्प नंबर 3। अन्य तीनों जो अपने विकल्प हैं यह गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।